बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट होंगे और ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे। आज की वीडियो बहुत बड़ी वीडियो नहीं, छोटी वीडियो है, लेकिन बहुत एक नई चीज़ के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में है। ये है ई सिम के बारे में और कंपनी कौन सी है? मोगो ई सिम। मोगो ई सिम मेरी आ चुकी है और उसको हम मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, आपको चला के दिखाएंगे उसका फ़ायदा क्या क्या है। ठीक है, मज़े की चीज़ तो ये है कि आपकी मोगो ई सिम जो होती है ये फिज़िकल नहीं होती, ये आपकी स्कैन करना होता है कोड आपने, ठीक है ना? तो लिंक आपको मिल जाता है, उसके ऊपर कोड होगा, कोड आपने स्कैन करना है या आपको क्यूआर कोड मिलेगा वो स्कैन करना है और आपकी सिम आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोडेबल हो जाएगी। और सिर्फ उन मोबाइल्स पे चलती है जो अवेलेबल है, जैसे गूगल पिक्सल्स के मोबाइल्स हैं या नए जो मोबाइल्स आ रहे हैं उनमें ई सिम का ऑप्शन है या आईफोन के अंदर जो था वो ऑप्शन होता है। तो मैं ज़रा आपको लेके चलता हूँ और कैमरे से ही मोबाइल पर दिखाऊँगा कि किस तरह से हमने इस सिम को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, इसको यूज़ किस तरह से करना है, इसका एक्सपीरियंस क्या होगा, मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। मैंने ई सिम मंगवा ली है, मोगो ई सिम चाइना से आई है, आई फ्री की तरफ से है, आई फ्री कंपनी है, उनकी तरफ से ये सिम है। तो इस सिम को जो है इंशाल्लाह यूज़ करके आपको यूजेज का एक्सपीरियंस बताएंगे कि इसका यूजेज का एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा है, इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और बहुत से मुल्कों में यूज़ हो सकता है, खासकर ट्रैवलर्स के लिए जो ट्रैवल करते हैं, जो शौकीन है घूमने फिरने के, दूसरे ममालिक जाने के, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें डाटा रोमिंग आपको जो है वो मिलती है फ्री में, ठीक है? तो हर चीज़ इसमें मिलेगी, क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको इंशाल्लाह जाके दिखाता हूँ मोबाइल के ऊपर, उसको चला के इसको यूज़ करके, तो इंशाल्लाह आपको सब पता चलेगा। चलें ज़रा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। जी हम आ गए हैं अपने मोबाइल पर। तो तरीक़ेकार क्या है, आपने जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट, यहाँ पे सिम्स का ऑप्शन है। ये सिम्स, एक सिम मेरी यू फोन की है, ठीक है, दूसरी सिम ई सिम डलती है। तो ये जो प्लस का निशान है, इस प्लस के निशान को आप दबाएंगे, ये कह कनेक्ट टू मोबाइल नेटवर्क टू यूज़ अ सिम न्यू सिम कार्ड यू विल नीड टू रिमूव द वन दैट्स करंटली इन योर डिवाइस। हमने उसको कहना है नहीं जी हम डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड अ न्यू सिम इंस्टेड, ठीक है। ओपन सोर्स लाइसेंस प्राइवेसी टर्म्स, कनेक्ट टू योर मोबाइल नेटवर्क बाय डाउनलोडिंग द इन्फो दैट्स यूजुअली ऑन अ सिम कार्ड, दिस रिप्लेस स्टैंडर्ड सिम कार्ड एंड इन जस्ट अ सेफ, ठीक है। ये नेक्स्ट करने के बाद हमें स्कैनर खोल के दे देगा स्कैन करने के लिए कि हमने यहाँ जो है सिम को स्कैन करना है। तो स्कैनर के लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो कोड है, यहाँ मेरे पास ये मेरी लैपटॉप स्क्रीन और आपको दिखाता हूँ, ये रिडीम, ये मेरी जो सिम आ चुकी है, ठीक है, इसको ओपन किया, ये लिंक को ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ क्या आएगा, एक ओपन हो जाएगा नया पोर्शन, अभी ओपन नहीं हो रहा। ये यहाँ मैंने अपना कोड देना है और ईमेल एड्रेस देना है। सो यहाँ पे ये मेरा कोड है, रिडेम्पशन कोड कॉपी, ये मैंने आके रिडीम कोड लगाया इसके अंदर पेस्ट। अब मैंने देना है अपना ईमेल एड्रेस, मेरा ईमेल एड्रेस उन्होंने यही जो मेरा ईमेल एड्रेस है यही है और ये ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे दे दिया पेस्ट और ये रिडीम नाउ सेंड टू, प्लीज़ मेक श्योर ये मेरी तरफ आ जाएगा। इधर ये मेरा स्कैनर खुल चुका है, स्कैन क्यूआर कोड फ्रॉम अ नेटवर्क। अब मैं आपको दिखाऊं, वहाँ पे ये ओपन हो चुका है। ई सिम 180 डेज वैलिडिटी है, 10 GB फॉर 90 डेज है, 30 डेज वैलिडिटी, रीयूजेबल ई सिम इज़ प्रोवाइडेड, ठीक है। अब ये ई सिम मिल गई है मुझे कहाँ से, मोगो की तरफ से, आई फ्री वालों की तरफ से मोगो, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पर स्कैन करूँगा अपना कोड और ये चेकिंग नेटवर्क इन्फो, आई फ्री नंबर इज़ अवेलेबल फॉर दिस डिवाइस, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा डाउनलोड, ये मैंने स्टार्ट कर दी, ओहो किधर गया डाउनलोडिंग। यू शुड हैव अ कन्फर्मेशन कोड फ्रॉम आई फ्री एंट्री टू एक्टिवेट योर नंबर, ठीक है। अब ये आई थिंक जो यहाँ पे ये नंबर नीचे दिया हुआ है मोगो 2048, तो मैं ये लगाता हूँ MOGO मोगो 2048 कंटिन्यू। हाँ, डाउनलोडिंग आई फ्री, दिस में टेक अ फ्यू मिनट्स, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये जो है इंशाल्लाह इसके अंदर लग जाएगी। द ई सिम क्यू आर कोड हैज़ आल्सो बीन सेंड टू योर ईमेल, टर्न ऑन योर सिम यू फोन और वो एक्टिव है, ठीक है। और ये मेरी आई फ्री की है, यूज सिम यस, टर्न ऑन आई फ्री यस, स्विचिंग टू आई फ्री फॉर कॉल्स एंड मैसेजेस। ये हमारी आई सिम जो है ये जी ओपन हो गई है, आई फ्री फॉर मोबाइल डाटा,
इफ़ यू स्विच टू आई फ्री यू फोन विल नो लॉन्गर बी यूज फॉर मोबाइल डाटा. यस, हमने मोबाइल डाटा के लिए उसको यूज़ नहीं करना. तो स्विचिंग डाटा सिम दिस में टेक, और ये टेक के कुछ लगते हो गए हैं ओके. और मेरी दूसरी सिम ये आप देख सकते हैं, वो सेकंड सिम जो है वो आ चुकी है और मोबाइल डाटा के लिए ये यूज़ होगी. ठीक है, और ये पाकिस्तान के अंदर चल रही है टेलनॉर के साथ. ठीक है, टेलनॉर के साथ इनकी जो है वो हुई हुई है, जो भी हुई हुई है जो आप समझ सकते हैं. है यूफोन है और आई फ्री है. सो मेरे जो है यूज़ के लिए अब ये आ चुकी है आई फ्री. अगर मैं कहीं कॉल करता हूँ तो यहाँ पे तो कॉलिंग का ऑप्शन, वो डाटा सिम, सॉरी ये डाटा सिम है या दूसरी सिम कॉलिंग वाली नहीं है. तो आई फ्री मेरे मोबाइल के अंदर हो चुकी है. यहाँ मेरे पास सिग्नल इस वक्त नहीं आ रहे हैं. जैसे ही सिग्नल आएंगे मैं इस पर अगली वीडियो भी बनाऊंगा कि इसको यूज़ करो. सिग्नल भी आ गया, वेरी गुड, ग्रेट. मेरी आई फ्री की सिम चल चुकी है और मैं जो इंटरनेट है ये बंद कर रहा हूँ अपना वाईफाई. सो वाईफाई बंद करने के बाद अभी आई फ्री का नो कनेक्शन. यहाँ पर सिग्नल का काफ़ी इशू आ रहा है. मैं इंशाल्लाह दूसरी लोकेशन पे जाके इसकी अगली वीडियो बनाता हूँ कि इसको यूज़ हम जो करते हैं तो ये हमें यूज़ किस तरह से होगी. या आर तो आ रहा है जस्ट, यानी कि जी पी आर एस आ रहा है. मैं ज़रा ये एक वॉइस चला के देखूँगा. ये तो डाउनलोड हो गई है. मैं अगर मैसेज भेजता हूँ तो अभी जाएगा या नहीं जाएगा. अभी थोड़ा सा इशू आ रहा है सिग्नल्स का, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिग्नल जो है वो यहाँ पे बहुत वीक है जिस लोकेशन पे मैं अवेलेबल हूँ. तो जैसे ही इसके सिग्नल आएंगे ये परफेक्ट चलेगी, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह. तो आपको तरीकेकार बता दिया कि इसको अपने मोबाइल में आपने रिडीम किस तरह से करना है, ऐड किस तरह से करना है, आपके मोबाइल में चलेगी किस तरह से आई सिम. ठीक, बाकी का पोर्शन ये देखिए. हमने प्ले स्टोर ओपन किया, हमने अपनी मोगो की जो है वो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेनी है. ठीक है, एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है, मैंने डाउनलोड की हुई है. सो मैं जैसे इसको अपडेट कर रहा हूँ, अपडेटिंग का ऑप्शन था. और इसमें अपना लॉगिन करना है, अपना वही ईमेल एड्रेस दे के जिससे आपने पहले उधर लॉगिन किया था वेबसाइट के ऊपर. ठीक है, तो अब ये इंस्टॉल हो जाएगी. इंस्टॉल होने के बाद मैं अभी आपको दिखाता हूँ. ये जैसे कि ऐप मेरे पास इंस्टॉल हो चुकी है, ओपन किया मोर ऑन द गो. एंड ये मेरा अकाउंट आई थिंक लॉग्ड इन होगा पहले ही मैंने, क्योंकि इसमें लॉगिन किया हुआ था. आप लोग इसमें लॉगिन करेंगे. ठीक है, ये प्रोफाइल के ऑप्शन में जाके आपका लॉगिन का सीन होता है, आप लॉगिन कर लेंगे. या मेरा लॉगिन हुआ है, माय डिवाइसेस वन आ रही है. और ये आप देख सकते हैं कि 10 GB जो है वो मेरे पास अवेलेबल है डाटा, किसके लिए, पाकिस्तान के लिए. और ये उसकी आखिरी डेट भी दी हुई है 9वें महीने की, कि 4/9/2023 को जो है ये एक्सपायर हो जाएगा. बाकी आप पैकेजेस आपने ख़रीदने हों आप वो भी ख़रीद सकते हैं, या आपके पास स्टोर अवेलेबल है. अब इसके लिए आपको सिंपल सिम यहाँ से आपने रजिस्टर करना है. रजिस्टर करने के बाद आपने ऑर्डर करना है, ऑर्डर्स के अंदर जाके. ठीक है, ये मेरी ऑर्डर हुई हुई है पाकिस्तान के लिए, 90 डेज 10 GB. ठीक है, मोगो ई सिम साल के लिए अवेलेबल है, ऑल ऑर्डर्स वहाँ पे थे. यहाँ पे ये ई सिम वही आ रही है. आपने पैकेज परचेज़ करना है, पैकेज परचेज़ करें, उसको जो है सिम को एक्टिवेट करें, QR कोड के ज़रिए मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करें. आपको पहले ही अपनी फिजिकल सिम निकालने की ज़रूरत नहीं होगी. उसके बाद इन डाटा रोमिंग को ऑन करें आपके डिवाइस के ऊपर, और एक ज़बरदस्त जो है सर्विस आपको अवेलेबल हो जाती है जहाँ जिस मुल्क के लिए भी आपको चाहिए, जहाँ भी आप ट्रैवल कर रहे हैं या जिस मुल्क के अंदर आप रह रहे हैं वहाँ के लिए आपको डाटा रोमिंग के लिए ये अवेलेबल होती है. अगर आप इसको चाहते हैं कि आपको कॉलिंग के लिए मिले तो ये कॉलिंग के लिए भी दोनों ऑप्शंस होते हैं. मैंने सेटिंग्स जाके चेंज किए हैं कि प्रेफर्ड जो है नेटवर्क कॉलिंग के लिए कौन सा हो, तो मैंने ये दोनों सेलेक्ट कर लिए हैं. तो दोनों आई फ्री साथ आ रहा है और यूफोन आ रहा है. जैसे दो सिम्स यूज़ होती हैं, दो सिम्स मोबाइल के अंदर यूज़ होंगी. एक ई सिम मोगो की तरफ से दी गई आई फ्री वालों की, और दूसरी जो मेरे पाकिस्तान की सिम है. ठीक है, तो जी ये बहुत ज़बरदस्त सिम है, आपको लाजमी जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको लेनी चाहिए, क्योंकि अब दूसरे मुल्क में जाके पहले नई सिम खरीदें और टेंशन आप यहीं से परचेज़ करके जाएं, आपको नंबर मिल जाएगा, हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी. ठीक है जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.